इस पर जरा विवेक जी आप अपना व्यू दीजिए, कैसी लगती है आपको कंपनी, क्योंकि लगातार एक्सपेंड कर रही है, पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर रही है, क्या करना चाहिए? अगर किसी के पास नहीं है, मान लीजिए आईपीओ वाले, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बने होंगे अभी तक, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करें, ये भाव ठीक है खरीदारी करने के लिए? तो अभिषेक देखिए, ये 300 के ऊपर गया था और इस पे भी मेरी कई बार बात हुई हुई है, और आज के दिन ये मतलब स्ट्रगल कर रहा है 225 में। थोड़ी देर पहले जो बोल रहा था ना कि आपको सावधान रहना कई सेक्टर से, उसमें ये भी आता है, लेकिन हाँ, इस करेक्शन के बाद आप मतलब ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है यहाँ से। मुझे लगता है कि अगर नीचे की तरफ जाता भी है तो ये 200 के आजू बाजू अच्छा खासा सपोर्ट लेगा, तो आप इसमें देख सकते हो, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। और ये अगर बॉन्ड के चक्कर में खाली आप ले रहे हो तो फिर वो रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। हाँ, ऐसे कंपनी ठीक है, अराउंड 200 विल बी वेरी गुड एंट्री पॉइंट। ठीक है, 200 के पास मिले तो ठीक है आपके लिए, हालांकि ऊपर से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है, लेकिन भाव याद रखिए 30 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस था जहां तक मुझे याद है, और लिस्टिंग पर ये शेयर डबल हुआ था IREDA क्या, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग का काम करती है ये कंपनी, स्पेशलाइज्ड एक सेगमेंट में है। हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं SBI सिक्योरिटीज़ के, सुदीप शाह। सुदीप जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। बाजार में कहां मौके बन रहे हैं सुदीप जी, पहले आप बता दीजिए कि आपके शेयर्स कौन से हैं जहां पर आपकी नजर गई हो, उसके बाद हम आपसे अपने शेयर पूछेंगे। गुड आफ्टरनून, मुझे लग रहा है जो हिसाब से स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है, मेटल काउंटर्स तो पहले ही रडार पे, फाइनेंशियल्स, मेटल्स, ये दोनों स्पेस मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मोमेंटम देखा गया है। और अगर मेटल्स की बात करें तो जो टॉप स्टॉक मुझे नजर आ रहा है वो यहाँ पे है नैल्को। नैल्को में हमने देखा है कि एक 7-8 वीक का जो कंसोलिडेशन था ये स्टॉक में 165 और 180 के बीच में, वो कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आया है, और वो ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखते हैं तो जुलाई के बाद के हाईएस्ट स्तर पर अभी स्टॉक आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नैल्को में खरीदारी करी जा सकती है 196 के स्टॉप लॉस के साथ, 210 और 215 के टारगेट्स के लिए। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो AMC स्टॉक है, HDFC AMC। यहाँ पे एक फ्लैग ब्रेकआउट आया है एक छोटे से टाइम फ्रेम पर, अगर आप वीकली पर भी देखें तो वीकली पर भी एक अच्छा वाला फ्लैग ब्रेकआउट है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से एक बेस बिल्डिंग हुआ है 4330-4350 के आसपास पिछले 3-4 सप्ताह में, वो बेस बनाने के बाद अब स्टॉक में एक ब्रेकआउट आ रहा है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लग रहा है स्टॉक में, और रोल ओवर्स भी काफी अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है 4450 के स्टॉप लॉस से HDFC AMC लिया जा सकता है 4650-4800 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, HDFC AMC और इसके अलावा नाल्को, ये दो शेयर हैं जिस पर कि बुलिश हैं सुदीप, और इन दोनों पर बाय की रिकमेंडेशन। बाजार आप देखिए